सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है, जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूं। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूं कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूं आज से। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मार रहे हैं देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये, हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूं कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूं, दावे से कह सकती हूं कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।